जो हमारा टीथ होते हैं वो जाव बोन में सॉकेट की तरह धंसे रहते हैं, और उनका जो अटैचमेंट होता है जाव बोन के साथ उसे हम थिकोडोंट बोल देते हैं। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं उसमें हमारे ह्यूमन्स बीइंग भी आते हैं। वे दो सेट बनाते हैं अपनी लाइफ में जो टीथ के हैं, दो सेट बनाते हैं। एक तो होते हैं मिल्क टीथ जिनको हम डेसीडियस टीथ भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट और अडल्ट टीथ जो कि रिप्लेस कर देते हैं, जो मिल्क टीथ है उनको रिप्लेस कर देते हैं। और इस टाइप का तो जो यहाँ पे डेंटेशन हो रहा है इसको हम डाइफोडोंट कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। उसके चार अलग अलग हेटोडोंट है, हेटोडोंट का मतलब है अलग अलग डेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो टीथ हैं वे अलग अलग है, जैसे कि इंसीजन हो गए, कैनाइन हो गया, प्री मोलर और मोलर हो गया। तो अगर हम ऊपर जो ऊपर वाला जाव होता है और नीचे वाला जाव होता है दोनों की दोनों ही साइड में हमें देखने को मिलेंगे इंसीजन, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, जो कि डेंटल फॉर्मूला इनका कुछ ऐसे बनता है। डेंटल फॉर्मूला ऐसे बनता है जैसे कि जो टीथ हो गया अपर जाव में दो तो होते हैं इंसीजन ऊपर की साइड में, और वन कैनाइन होता है ऊपर, टू प्री मोलर ऊपर और थ्री मोलर ऊपर। ऐसे ही टीथ जो होते हैं लोअर हाफ जाव में नीचे की साइड में टू होते हैं इंसीजन, वन कैनाइन, टू प्री मोलर और थ्री मोलर। और जो हमारे टीथ होते हैं उसका जो इतना हार्ड सरफेस होता है उस हार्ड सरफेस से किसी भी फूड को जो है ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम एनामल बोलते हैं, क्योंकि एनामल की वजह से ही हार्ड सरफेस होती है टीथ की।